सो गाइस आज हम बताएंगे कुछ स्टेप का सी एंड्रॉइड फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल जो हम पिक्सर एप्लीकेशन से सिखाने वाला आप सबको। सो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एक बार से मिस मत करना और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत तक देखने के बाद ही आप सबको समझ में आ जाएगा। और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को कर देने का लाइक, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते मत भूलना नया नया वीडियो देखने के लिए, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी और यानी ड्यूटी ऊपर पीछे खड़ा सब फॉलो कर लेना। सो फ्रेंड्स चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स पहले हमें पिक्सर एप्लीकेशन को ओपन कर देना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैं पिक्सर एप्लीकेशन को ओपन कर दिया हूँ, देन गाइस ये वाला जो पिक्चर है पिक्चर को मैं ओपन कर दिया हूँ, ठीक है। तो ओपन कर देने के बाद पहले हमें टूल्स पर जाना है। टूल्स पर जाने के बाद यहाँ पर हमें एडजस्ट पर हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। तो एडजस्ट पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर हमें ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, इससे हमारा जो फोटो है थोड़ा सा लाइट आ गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कर देने के बाद हमें डन कर देना है पिक्चर को। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो गाइस हमारे पिक्चर के ऊपर थोड़ा सा लाइट टोन आ गया है। तो आप सबके पिक्चर के अगर लाइट टोन नहीं है तो आप सब कुछ इस तरह से लाइट टोन ले आना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें सिंपली इफेक्ट पर हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। देन गाइस यहाँ पर हमें बी एंड डब्ल्यू जो इफेक्ट है ना उसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। देन गाइस अब हमें सिंपली जी पर हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जी पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर हमें इरेजर ब्रश को हमें चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो इरेजर ब्रश को हमें चूज़ कर लेने के बाद अब मैं साइज को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, और यहाँ पर हार्डनेस और ऑपेसिटी भी ठीक ठाक ही है। अब हमें सिंपली जूम कर लेना है पिक्चर को। तो गाइस जूम कर देने के बाद कुछ इस तरह से हमें इरेज कर लेना है, ठीक है। मतलब फेस के ऊपर से हमें ब्लैक एंड व्हाइट टोन को हटा लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप सब भी कर लेना। मैं यहाँ पर वीडियो की स्पीड थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप सब धीरे धीरे कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि मैं ठीक ठाक से फेस के ऊपर से ब्लैक एंड व्हाइट टोन हटा लिया हूँ। तो आप हमें डन कर देना है पिक्चर को। तो गाइस डन कर देने के बाद यहाँ पर हमें सिंपली क्लिक कर देना है, यहाँ पर टूल्स पर हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। देन गाइस टूल पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर हमें कर्व वाले टूल पर हमें क्लिक कर देना है। देन गाइस यहाँ पर हमें एक कलर को हमें चूज़ कर लेना है। सो गाइस ये वाला रेड जो कलर है रेड कलर को हमें चूज़ कर लेना है, और रेड कलर को हमें इस तरह से डाउन पर ले आना है, ठीक है। तो गाइस कुछ इस तरह से डाउन पर ले आने के बाद अब हमें सिंपली जाना है ये ऊपर जो इरेजर वाली आइकन है आइकन पर हमें टैप कर देना है। देन गाइस इरेजर ब्रश को हमें चूज़ कर लेना है, और बस साइज को थोड़ा सा कम कर लेंगे, और कुछ इस तरह से हमें पिक्चर को जूम कर देने के बाद इस तरह से हमें फेस के ऊपर से ब्लू टोन को हटा लेना है, मतलब सी एन टोन को हटा लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से सी एन टोन को हटा लेना है आप सबको भी। तो मैं यहाँ पर ठीक ठाक से हटा लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे फेस के ऊपर से ठीक ठाक से मैं सी एन कलर को हटा लिया हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि सब ठीक ठाक लग रहा है। तो देख सकते हो कि सी एन टोन अभी भी ठीक ठाक नहीं है। तो अब हमें टूल्स पर फिर से क्लिक कर देना है। देन गाइस कर्व वाले टूल पर हमें क्लिक कर देना है, और अब हमें सेलेक्ट कर लेना है ब्लू वाला जो टोन है उसको हमें सेलेक्ट कर देना है। अब हमें ब्लू वाला टोन को हमें थोड़ा सा ऊपर की साइड पर ले आना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सब सी एन टोन अच्छा लग रहा है। तो आप सब भी कुछ इस तरह से सेट कर लेना सी एन टोन को। तो देन गाइस यहाँ पर हमें डन कर देना है। सो गाइस डन कर देने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली ऐड फोटो पर हमें क्लिक कर देना है, और यहाँ पर हमें कुछ एक पीएनजी को हमें ऐड कर लेना है, ठीक है। सो गाइस ये वाला जो पीएनजी है पीएनजी को हमें ऐड कर लेना है, और इसका जो ब्लेंड मोड है ब्लेंड मोड को हमें स्क्रीन कर देना है। देन गाइस यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से ऊपर की साइड पर सेट कर देना है, ओके। तो कुछ इस तरह से सेट कर देने के बाद अब हमें डन कर देना है पिक्चर को। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो गाइस हमारे पिक्चर अभी भी ठीक नहीं लग रहा है। तो हमें अब ए वाला पिक्चर को सेव कर लेना है, ठीक है। सो गाइस सेव वाला ए वाला आइकन पर हमें टैप कर देना है, देन गाइस सेव हो जाएगा पिक्चर। तो अब हमें गैलरी पर जाना है। गैलरी पर जाने के बाद ये वाला पिक्चर को हमें शेयर कर लेना है लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो गाइस लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, और पिक्चर को भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सो ओपन कर देने के बाद यहाँ पर हमें ये वाला जो लाइट वाला आइकन है आइकन पर हमें टैप कर देना है, और यहाँ पर हमें कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, और यहाँ पर हाईलाइट को भी थोड़ा सा कम कर लेना है, और पर शैडो को भी थोड़ा सा यहाँ पर मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर वाइट को भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिक्रीज़ कर देता हूँ, यहाँ पर ब्लैक टोन को भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देता हूँ। देन गाइस आप हमें जाना है टेम्परेचर वाले आइकन पर हमें टैप कर देना है, ओके। तो टेम्प को थोड़ा सा कम कर लेना है, और वाइब्रेंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। अब हमें जाना है सिंपली मिक्स टूल के अंदर। तो पहले वाला कलर को हमें सैचुरेशन को हाई कलर हाई इंक्रीज़ कर देना है, और सेकंड वाला कलर को हमें जाना है सैचुरेशन को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देना है, और लुमिनस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। अब हमें लास्ट वाले कलर पर जाना है, और फिर सैचुरेशन को डिक्रीज़ कर देना है, और लुमिनस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा फेस के ऊपर देख सकते हो इस कलर टोन आप सही लग रहा है। तो अब हमें सिंपली ब्लू वाले टोन पर जाना है और ह्यू को थोड़ा सा माइनस कर देना है और सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस हमारा कलर टोन भी ठीक ठाक लग रहा है, तो आप सब देख देख के कर लेना ठीक ठाक से। तो ये सब कर देने के बाद यहाँ पर हमें डन कर देना है। देन गाइस ये वाला जो आइकन है आइकन पर हमें टैप कर देना है, ठीक है। तो टेक्सचर को थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, क्लैरिटी को भी थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। अब हमें जाना है नेक्स्ट टूल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर शार्पनिंग को थोड़ा सा ऐड कर लेना है, नॉइस रिडक्शन को भी थोड़ा सा ऐड कर लेना है और कलर को भी थोड़ा सा ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस हमारे पिक्चर जो है वो कितना ऑसम लग रहा है। तो बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो गाइस अब सही लग रहा है। तो आप हमें सेव करने के लिए ऊपर जो शेयर वाला आइकन है आइकन पर टैप कर देना है, देन सेव टू डिवाइस पर हमें क्लिक कर देना है, जो पिक्चर था वो सेव हो जाएगा गैलरी में। सो फ्रेंड्स ये वाला जो वीडियो था, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को कर देने का लाइक और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते मत भूलना। चैनल वीडियो देखने के लिए